नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। जिले के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से आइंस्टाइन स्टडी सर्कल के शुरुआत। गढ़वा जिले के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अनिल देव ने आज मंगलम टेंट हाउस के बगल में आयरूटीन स्टडी सर्कल का शुभारम्भ किया। मौके पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि धीरज दुबे व नवीन तिवारी, शादाब खान, मिसाल केशरी मौजूद थे। जानकारी देते हुए अनिल देव ने कहा कि जिले के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ ही एक्स्ट्रा जानकारी मिले, उस उद्देश्य से आज मैंने आइंस्टाइन स्टडी सर्कल के बैनर तले स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे किताबी ज्ञान के साथ ही टेक्निकल ज्ञान भी मिले। इस कारण मैंने 2016 से ही बच्चों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया और आज मैंने अपने आइंस्टाइन स्टडी सर्कल का शुभारंभ कर दिया है। मौके पर चंद्रशेखर मौर्य ने कहा कि पूरे 2 साल पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने के कारण बच्चे पूरी तरह पढ़ाई की दुनिया से कोसों दूर चले गए थे। आज फिर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया, ताकि बच्चे कम समय में ज्यादा कुछ सीख सकें और अपने क्षेत्र, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सके। जबकि वही मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि धीरज दुबे ने बताया कि आइंस्टाइन स्टडी सर्कल की शुरुआत 2016 में ही की गई थी, जिसका हमारे द्वारा ही शुरुआत किया गया था। ये संस्थान निरंतर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है और इसी का परिणाम है कि आज काफी संख्या में बच्चे एवं बच्चियां इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी यह संस्थान मेरे होनहार शिक्षक अनिल देव राजा कुमार चंद्रशेखर मौर्य के लगन एवं मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जगाएगा। मौके पर शादाब खान, धनंजय कुमार, विशाल केसरी, संजय कुमार, अनिल देव राजा, कुमार चंद्रशेखर मौर्य, विकास कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में बच्चे और बच्चियां उपस्थित थे। आज आइंस्टाइन कोचिंग सेंटर का रिनोवेशन हुआ है। इसका उद्घाटन तो 2016 में 1 अक्टूबर को हो चुका था। उस समय भी इसका उद्घाटन हम लोगों के द्वारा ही किया गया था। आज 3 मित्र चंद्रशेखर, राजा और अनिल देव के द्वारा इस इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है और काफी संघर्ष के बाद छोटे से जगह से शुरू करके, लेकिन इनकी पढ़ाने की शैली जो है, इनके पास जो ज्ञान का ज्ञान देने का तरीका है, जो इनके पास नॉलेज है, वो काफी प्रभावशाली तरीके से अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते। इसका नतीजा है कि आज 10 बच्चों के साथ जिन्होंने इंस्टीट्यूट का शुरुआत किया था, आज 6-7 साल में 150 बच्चे इनके यहाँ आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र है और संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। शिक्षा ही किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विकास को में मदद करती है और हम इनके अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और जिस तरह से इनका कार्य चल रहा है, गढ़वा जिला में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाते रहने का काम करेंगे। छोटे से शहर में बड़े शहरों के प्रति अच्छी शिक्षा की व्यवस्था इनके द्वारा दी जा रही है, इसके लिए बधाई के पात्र। जब आप शुरुआत किए थे, आवाज इतना बड़ा हो गया। देखिए, हमने तो यही सुना है कि जब कोई इंसान बीज को देखता है तो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में यह आ पाता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। तो उसी प्रकार का एक संकल्प हमने लिया 2016 में। उस समय हमने खुद लगभग सारे कोचिंगों का दौरा किया और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि ये हमारा जो शिक्षा जैक बोर्ड झारखंड जब से निर्मित हुआ 2003 से आसपास जैक बोर्ड चल रहा है, तो उस समय से मैंने ये देखा कि शिक्षा का जो लेवल है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें लोग चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं। और चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वही पुराना सिस्टम, वही सब कुछ पुराना, आपका 18वीं सदी का सिलेबस, 19वीं सदी के शिक्षक और विद्यार्थी हो गए 21वीं सदी के। तो इस गैप को देखते हुए मैंने देखा कि विद्यार्थी को वो सारा रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। मैंने खुद मिला बहुत सारे विद्यार्थियों से, तो मुझे लगा कि इन विद्यार्थियों में कुछ कमी रह जा रहा है। ये कमी इसलिए नहीं रह जा रहा है क्योंकि ये गलती विद्यार्थियों की है, इसमें गलती उन लोगों की भी है जो उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। तो मैंने देखा कि एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए इन्हें एक रिवोल्यूशनरी टीचर की जरूरत है, जो इन्हें केवल सिलेबस में ही नहीं बल्कि सिलेबस से बाहर भी इन्हें गाइड करें और बाहरी दुनिया से इन्हें जोड़ें। और इसी के देखते हुए विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने आइंस्टाइन स्टडी सर्कल नाम की एक संस्था को प्रारंभ किया।
जो उस समय हमने जब 2016 में प्रारंभ किया था, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थियों को इस संस्था के ऊपर तो उतना दिलचस्पी नहीं आया, उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो 5 विद्यार्थी मेरे पास आए और उन्हीं 5 विद्यार्थियों से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और उसमें से भी कुछ लोग ये सोच करके कि ये तो पढ़ा नहीं पाएगा, कि कुछ समय मेरा हाइट थोड़ा होता है, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि ये भी ऐसा शिक्षक है जो कि 12वीं को ग्रेजुएशन को पढ़ा सकता है। तो उस 5 में से भी मेरे पास से 2 विद्यार्थी चले गए। एक साल मैंने 3 विद्यार्थियों को पढ़ाया, और 3 विद्यार्थियों को पढ़ाया उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, हर क्षेत्र में अच्छा किया, और आज भी वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं। तो ये देखते हुए शायद सच्चाई अच्छा लगा सबको, और मैंने देखा कि आइंस्टीन स्टडी सर्कल की जो वास्तविक विजन है, उसका जो खाना है आइंस्टीन स्टडी सर्कल ने, वो धीरे धीरे अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, और यही कारण है कि लोग हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस विजन से कोई काम अगर स्टार्ट किया जाए, जो आपका विजन हो, जो आपका मिशन हो, अगर वो पूरा होता हुआ दिखाई दे, तो शायद ही कोई इंसान होगा जिसे अंदर से एक नया ऊर्जा न मिले। और आज मैं भी चूंकि वो चीज़ देख रहा हूँ कि मेरा जो आइंस्टीन स्टडी सर्कल का जो विजन है, जो मिशन है, विद्यार्थियों को रटंत विद्या नोट्स वाला जो शिक्षा इससे दूर ले जाना, वो तो मुझे दिख रहा है कि अब ये पूरा हो रहा है, और मैं काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। के लिए स्मार्ट क्लास पहली बार बना है? जी जी गढ़वा। तो देखिए, स्मार्ट क्लास का मैंने एक टारगेट तो बहुत पहले से ही लिया था, लेकिन मैं चूंकि थोड़ा मनी प्रॉब्लम कहिए, कैपिटल प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा था, इसके कारण से चूंकि हमारा संस्था उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। और ये मैं काफ़ी कहते हुए काफ़ी खुशी भी हो रहा है कि गढ़वा जिले का पहला स्मार्ट क्लास खुला हुआ है। तो इससे स्टूडेंट को कितना फायदा होगा? देखिए, स्टूडेंट क्या था कि साइंस एक ऐसा विषय है जिसे आप कॉपी पे और किताब पे नहीं पढ़ा सकते, और साइंस के विद्यार्थियों को अगर आप साइंस वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उन्हें थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिखाना पड़ता है, जो कि यहाँ की बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं काम। स्कूल तो कोचिंग संस्थान का तो बात ही दूर है। तो मेरा यही मानना है इन सारे विद्यार्थियों को साइंस को एक मतलब विजुअल के द्वारा, मतलब वीडियो के द्वारा उनको दिखाते हुए अगर पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें काफ़ी हद तक आसानी होगी। और जो विद्यार्थियों को समझने में, रटने में, जो ये मान के चलते थे कि साइंस का मतलब रटना होता है या जो भी होता है, वो अवधारणा इनके दिमाग से मिट जाएगी, पर काफ़ी आसानी से वो पढ़ाई करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे काफ़ी अच्छा करेंगे अपने। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 एसी डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।